क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रहा हूँ। अखबार में क्या पढ़ रहे हैं? जरूरत रिश्ते का इश्तिहार पढ़ रही हूँ। क्या मतलब? कुकी की तो हमने मंगनी कर दी, अब क्या उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हो? कुकी के लिए नहीं, तलाश कर रहा। या अल्लाह, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अब इस उम्र में तुम अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो और वो भी मेरे होते हुए? ये लो, तुम ढूंढ लो। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने एक मिनट के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। एक मिनट के लिए तो सोचा था, जब वो मिनट खत्म हुआ तो मैं फिर अखबार पढ़ने लगा। तो मेरे चीते जी, ये नहीं हो सकता। कुसुम तो पागल हो गई हो, क्या हो गया तुम? लो भला, ये भी कोई बात? हालांकि मुझे पता है कि तुम पागल हो, फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि तुम पागल हो। जाहिर सी बात, दूसरी बीवी को तो यही कहोगे ना कि मेरी पहली बीवी पागल है। देखो कुलसुम, मेरे पास एक मुलाजिम है हमीद, वो मेरी दुकान पर काम करता है, मैं उसकी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। क्या? मुझे माफ कर दीजिए, आप इतना नेक काम करने लगे थे और मैंने आप पे शक किया। ये चाय तो पी लीजिए। बाहर में गई चाय और चूल्हे में गया मैं दुकान पे जाके पी लूंगा। हर वक्त सख्त करती रहती, सख्त करती रहती। अपना मैं हूँ पुत्र, क्योंकि पुत्र वो तुम्हारे नाना मरहूम, और यार वो तुम्हारे नाना मजलूम, वो किधर होते? ओ बस पुत्र, को जिंदगी का पता चलता है कितने नेक। उस्ताद जी ऐसी बात नहीं है, नाना मेरे जिंदा सलामत है, हट्टे कट्टे। अच्छा, उनको ना मुलाजमत मिल गई चिड़िया घर के अंदर। ना पुत्र, ना ना वो इतने तलीम याफ्ता, ना इतने अकलमंद, फिर वहाँ कैसे नौकरी मिल गई? आपको पता नहीं है, वो ऐसे वहाँ पे काम कर रहे हैं कि कोई बंदा चिड़ियाघर के अंदर उनकी इजाजत के बगैर इंटर नहीं हो सकता। हाय हाय, पुत्र के खैरी सलाह, कैसी नौकरी पे लगे हैं? बड़ी ऊंची नौकरी है। अच्छा, जैबरे को सुरमा पहनाते होंगे। उस्ताद जी ऐसी बात नहीं है, बड़ी आला नौकरी उनको मिल गई, कोई बंदा चाहे वो मुलाजम ही क्यों ना हो, या आने वाला या मिलने वाला या चिड़ियाघर देखने वाला, उनकी इजाजत के बगैर अंदर नहीं जा सकता। तो बेटा क्या लग गए वो खैरी सलाह वहाँ? बड़ी ऊंची पोस्ट पे हैं। वो कौन सी ऊंची पोस्ट? भाई वो क्या ऊपर के परिंदों का हिसाब रखते हैं? चेक पोस्ट पे हैं वो। चेक पोस्ट? हाँ, बड़े वाला गेट है ना, हा? उस पे चौकीदार लग गए। वाह 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 वाह, बड़ी नौकरी है भाई, पिछली उम्र में नौकरी मिली वो भी चौकीदार की। हाँ, लेकिन रोब बड़ा है उनका। हाँ, बाहर बाहर। छोड़े भाई साहब, आप भी किसकी बातों में आ गए? आपको पता है कि कुकी की मजाक की आदत है? हाँ। चाय पिए आप? हाँ, बिल्कुल जी, कुकी बहुत कॉमेडी बच्चा है। ये है जेट्स की नई ऑफर, 1+1 बस 550 पर SMS करो और हर नेटवर्क पर एक मिनट से लंबी कॉल पर एक मिनट फ्री पाओ। जैज 1+1 ऑफर से 15 नवंबर तक फ्री मिनट्स जमा करो और उनसे फ्री कॉल्स मिलाओ। 1+1 ऑफर से फायदा उठाने में रह गए कुछ ही दिन, तो अब ज्यादा से ज्यादा कॉल्स मिलाओ और ढेरों फ्री मिनट्स बनाओ। सुरीली चाय लाए ना? मौला तुम्हें खामत के असूलों से बचा के रखे। अच्छा, तो आप ये बताएं कि कल आप आए? भाभी, मेरे स्टारों में लिखा था कि कल मैं सारा दिन घर पर ही रहूं। तो पहले भी तो आप घर पर ही रहते हैं, पहले कौन सी आप ठेकेदारी करते हैं? कुकी पुत्र, इल्म का मजाक नहीं उड़ाते, वरना और खूबसूरत हो जाओगे। हाय, मेरा बेटा अब इससे ज्यादा और क्या खूबसूरत होगा? सुन के जाऊं, खूबसूरती का आखिरी स्टॉप है जी आपका बेटा। मैंने जो भी काम किया ना भाभी, सारी जिंदगी स्टारों के हिसाब से किया। अच्छा चले, फिर मेरे स्टारे के बारे में पढ़े, क्या लिखा है? आपका सितारा कौन सा? ये हाँ, जोजा जेमिनी। लीजिए भाभी, आपका सितारा कह रहा है कि आज अचानक आपके घर में को बिन बुलाया मेहमान आएगा। हाँ, सही लिखा है। मेरे अब्बा मियाँ का सितारा देखना। तो बताओ ना कुकी पुत्र, के आपके अब्बा का सितारा कौन सा है, सादा या दुमदार? ये वाला, वेजिटेरियन।
वेजिटेरियन। ये क्या लिखा? सेजिटेरियन। अच्छा अच्छा, ओए होए होए, लो जी इस तारे के हिसाब से आज नोशो मियां को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनके पांव पर चोट लगने का डर है। मैं नहीं मानती ये फजूल बातें, पांव पर चोट लगने का। अरे रुकी ये मां, आज चोट लग गई पांव पे। जबरदस्त, नोशो मियां के पांव पे चोट लगी है। नोशो मियां भाई, जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है भाई, बहुत आला। सोमी खान, मुझे चोट लगी है और तुम चोट की तारीफ कर रहे हो? नोशो मियां, मैं तो तारीफ उसकी कर रहा हूँ जिसने अखबार में लिखा, क्योंकि सितारों के हिसाब से आज आपके पांव पे चोट लगनी थी। अच्छा, तो ये सितारों ने काम किया है, मैं समझा शायद कोई मेरी गलती थी। वैसे ये चोट लगी कैसे आपके पांव पे? पड़ोसियों का लड़का आप मोटरसाइकिल चलानी सीख लिया था, सीधा मेरे पांव पर आ दौड़ा। छोड़ूंगा नहीं, कुकी के बाप के पांव पे उसने मोटरसाइकिल चलाया, मार डालूंगा उसे। उसने मेरे बाप के पैर पे मोटरसाइकिल चलाया, मैं उसके टायर की हवा निकाल दूंगा। हाय, देखा देखा किस कदर प्यार करते हैं तुमसे। क्या तकलीफ क्या हुआ मेरे बाप के साथ? कुकी दादा के बाप के साथ? वो देख, तू टाट जाएगा, ऐसा ना कर, तू मुझे अंदर छोड़ा। अंदर तो हो जाएगा बाप। अरे चल, तेरे पैदा होने का कोई तो फायदा हो, ले मुझे उठा ले, उठा सकते कुकी। अरे मेरी जान, मेरी जान। जल्दी से पढ़े, और क्या लिखा है नोशो मियां के बारे में? बाबी, लिखा है कि नोशो मियां की जिंदगी में एक औरत आएगी। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये नोशो मियां का घर है। ये तो वाकई औरत है भाई साहब। आगे देखिए क्या लिखा है। आप उनकी बीवी हैं? एक मिनट वहीं रहना, मैं पढ़कर बताती हूँ। हैं? अरे भाई ये पढ़कर बताएगी कि ये बीवी है कि नहीं? सितारों के हिसाब से नोशो मियां की जिंदगी में आज जो औरत आएगी उसका नाम बे से शुरू होगा और नोशो मियां उसके साथ। शादी कर लेगा। शादी इस औरत से? भाई साहब, इस औरत से कह दे कि नोशो मियां यहाँ नहीं रहते। लेकिन मुझे तो मोहल्ले वालों ने कहा है कि यही उनका घर है। बाबी, इससे पूछो तो सही, इसका नाम कहीं बे से तो नहीं शुरू होता? जी मेरा नाम रजिया है, रजिया, और रजिया रे से शुरू होता है। हाँ, रजिया तो रे से शुरू होता है, और रे से शुरू होने वाले नाम से यहाँ पे कोई खतरा नहीं। अरे कुकी की अम्मा, एक कप चाय बना के पिला दो। अरे रजिया, तुम कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, मगर ये तो कह रही थी कि तुम यहाँ नहीं रहते हो। ऐसा कहा? मतलब है कि ये हर वक्त यहाँ थोड़ी होते हैं, कभी छत पे होते हैं, कभी कमरे में होते हैं, कभी मार्केट गए होते हैं, कभी किचन में होते हैं, कभी फूड फैक्ट्री में होते हैं। और फिर मुझे कहाँ पता था कि तुम्हारा नाम रे से शुरू होता है। अरे भाई, ये रे और बे का क्या चक्कर है? तुम नहीं समझो। ये कुल्फू है कुकी की अम्मा। अच्छा अच्छा, इसका कभी कभी पेट ढीला हो जाता है। अब्बा भाई, तुम चाय चाय अंदर चल के नहीं, बातें ही होंगी यहाँ। हाँ, देखो कौन है। नहीं चले, जख्मी मियां चल, आइए आओ अम्मा। चलो अम्मा। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हेलो जी, बेबी? नहीं जी, यहाँ कोई बेबी नहीं, यहाँ तो सारी सियानी खवातीन बैठी हुई। माफ कीजिएगा, मेरा फोन होगा। आपका फोन जी? वो तो किसी बेबी के बारे में पूछ रहे, आपका नाम तो रजिया है। दरअसल मेरा नाम रजिया है, लेकिन घर में मुझे बेबी बेबी कहकर पुकारते हैं। हाँ भाई, मोहल्ले में तब इधर बेबी बेबी कहते थे। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
अम्मी मैं आपको फोन करने ही वाली थी, मैं बताती हूँ आपको। हेलो, हेलो भाई, मेरा भी फोन आ गया। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, मासी छचुंदर के घर में चमेली का तेल। हेलो हेलो, हाँ नौशा मियाँ बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ देखे भाभी, सारी बातें आज सच हो रही। क्यों, क्या फिर कोई खतरे वाली बात हो गई? हाय भाभी, तुम कितनी मस्त मौला खतून। भाभी सुना नहीं, उसका नाम रजिया नहीं बेबी है, और बेबी बे से शुरू होती है। हाँ सच, उसका तो नाम बेबी बे से शुरू होता है। अब बेबी 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 बेबी। जी जी, क्या हुआ? तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती। क्यों, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि आपका नाम बे से शुरू होता है। मेरा मतलब है आप अपने किसी और रिलेटिव के पास जाके ठहरे, ये आपके भाई ने कहा है। मेरा भाई यहाँ कहाँ गया? भाई नौशा मियाँ, आपका भाई ही तो है। ये तुम्हारा भाई तुमसे कह रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। कौन किसका भाई और कौन ज्यादा? भाई ये तुम्हारी बीवी कह रही है कि तुम मेरे भाई हो, और तुम्ही ने ये कहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं तुम्हारा भाई? पर कैसे जोर जोर से कहके लगाने शुरू कर दिए। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, मौला जानता है हमारा भी तजर्बा है। मेरा ख्याल है कि इन दोनों का बचपन से ही चक्कर चल रहा है। क्या, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है? माँ एक दफा अपने बेटे कुकी पहलवान को बता, दो मिनट के अंदर उसके मैं सारे चक्कर उतार दूंगा। अरे कुकी बेटा, तेरे अब्बा का उस बेबी से चक्कर चल रहा है। क्या अम्मा, मुझे खुल के बता, मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और क्या, तू माँ की आंखों में मोतिया देख सकता है? सुनो सत्यारी की बात। हुआ क्या माँ? बस अम्मा मैं समझ गया, मेरा एक जानने वाला है प्रोफेसर, उससे तरकीब पूछी जा सकती है, लेकिन अम्मा वो हर तरकीब का 5,000 रुपए मांगता है। बेटा मैं तुझे 10,000 दूंगी, लेकिन तू मेरी जान छुड़ा दे इस मुसीबत से। अच्छा एक मिनट ठहरो माँ। हेलो प्रोफेसर साहब, सलाम अलैकुम, कुकी पहलवान बोल रहा हूँ, एक मसले का हल पूछना है आपसे। अम्मा प्रोफेसर साहब ने कहा है कि वो जो खातून है ना जिसका नाम आप बेबी बता रही हैं, उससे कहो कि उसकी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। वह पुत्र एक तुम कूड़, एक प्रोफेसर कूड़, अब फोन करके पूछ लगी अपनी माँ से कि मम्मी तुम फिट हो या नहीं। फिर किसी ऐसे रिश्तेदार का बताते हैं जिसका नंबर इसके पास ना हो। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, तेरे अब्बा से पूछती हूँ तरीके से कि उसे शक भी ना हो। नौशा मियाँ, ये रजिया और बेबी कब तक वापस आएगी? भाई किसी काम से गई है, वापस आ जाएगी, तुम क्यों पूछ रही हो? मैं सोच रही थी कि वो पहली बार हमारे घर मेहमान आई है, तो उसके लिए और उसके घर वालों के लिए कुछ तहाइफ देने चाहिए ना। तहाइफ? क्या मतलब, कोई छोटा मोटा तोहफा दे देना बेबी को। बेबी नहीं कहना, बेबी बिल्कुल ना सुनो है तुम्हारे मुंह से। भाई उसका नाम रजिया है, बेबी तो सिर्फ उसे घर वाले कहते हैं। क्या हुआ, मैं भी तो घर वाला ही हूँ। क्या तुम उसके घर वाले हो? घर के अफराद को घर वाले कहते हैं, किसी औरत के मियाँ को घर वाला कहते हैं। अच्छा तो कहते होंगे। खतरा तो पड़ता जा रहा है,
इसे फौरन घर से निकलना चाहिए। देखो भाई, तुम्हारे खानदानी रिवायत को तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे खानदान की रिवायत है कि जब कोई घर में मेहमान आए तो उसको और उसके घर वालों को तहाइफ भेजने चाहिए। ये क्या फजूल रिवायत है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ए मियां, पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने इन्हीं कामों के लिए पैसे बचा के रखे हुए हैं। तुम मुझे बस उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ बताओ। अरे भाई, उसके रिश्तेदार कौन है? एक उसकी अम्मी है, एक उसका अब्बा है, एक बहन है, दो भाई है। ये सब तो उसके नजदीक के रिश्तेदार हैं, इन सब के नंबर तो उसके पास होंगे। नौशा मियां, उसके कोई फुफी, चचा, मामू, किसी ऐसे रिश्तेदारों के बारे में बताओ ना। ओहो कुलसुम, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे बेबी रजिया के रिश्तेदारों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हाँ, उसके कभी कभी एक मामू आया करते थे। ये जांच लिया जा सकता है। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हम उससे कहेंगे कि तुम्हारे मामू फौत हो गए हैं, फौरन वापस पहुंचो। लेकिन अम्मा, अगर उसने फोन करके पूछ लिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो फिर कोई ऐसी तरकीब सोचो ना कि उसे सोचने का मौका ही ना मिले। ओ, मेरे जहन में तरकीब आ गई अम्मा। शुक्र है बेटा। मैं ऐसा करूंगा कि उस्ताद जी से कहूंगा कि वो गेट पे ही खड़े रहें, जैसे ही वो आए उसको इतला दे के वहीं से वापस भेज दो। हाय, मेरा बच्चा कितना जहीन है। लेकिन अब्बा नहीं मानते। अम्मा, मैं ना जाके उस्ताद को ये इतला दे के आता हूँ। उस्ताद जी, वो जो बीबी हमारे घर में आई हुई है ना। हाय हाय, और कहीं नौशो मियां ने उससे शादी तो नहीं कर ली? यही तो मसला है उस्ताद जी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे बाप से शादी कर ले। बस वो ना किसी काम से गई हुई है बाहर। अच्छा, जब वो आए ना यहाँ पे तो आपने उनसे कहना है कि मेरी अम्मा ने कहा है कि मामू फौत हो गए। यानी कि मैं उसको ये बताऊं कि कुलसुम भाभी ने कहा है कि मामू फौत हो गए। यही तो, इतनी सी बात है। जा, ऑफिस भी बंद करवाया और बात भी इतनी सी। जा, तेरी खातर बेटे ये काम भी करेगा तेरा उस्ताद। ओ जी, ओ उस्ताद, कितनी मरतबा है। क्या हुआ? बुरी खबर है, इसलिए रो रहा हूँ। कुलसुम भाभी ने बताया कि मामू फौत हो गए। ये सब कैसे हुआ? अभी कुछ देर पहले ही। अरे भी कुलसुम, मुझे बहुत अफसोस हुआ। हाँ वाकई, अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, मैं भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन अब तुम वक्त जाया ना करो, जल्दी से निकलने वाली बात करो। मैंने तुम्हारा सामान तैयार कर दिया। क्या मतलब है, मामू की डेड बॉडी किसी और जगह पहुंचा दी है? पता नहीं, इतनी तफसील तो मुझे नहीं पता। ये तुम जाके अपने घर वालों से पूछो। तुम्हारे मामू फौत हुए ना? अरे नहीं, मेरे मामू नहीं, तुम्हारे मामू फौत हुए। पागल हो गई हो, तुम्हारे मामू फौत हुए? ओहो, तुम्हारे मामू फौत हुए। मेरे एक ही मामू थे, उनके इंतकाल को 6 बरस हो चुके हैं। बेटा, मेरी को समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं इस औरत को इस घर से निकालूं तो कैसे निकालूं। अम्मा, कुकी पहलवान की अम्मा होगी, तू परेशान हो रही है? यही तो परेशानी की बात है बेटा। ऐसी बात नहीं है अम्मा, मैं अभी प्रोफेसर साहब से फोन करके पूछता हूँ कि क्या तरकीब होगी। ये देखो, प्रोफेसर साहब कोई आम आदमी नहीं है। देखा, आधी जिंदगी जेल में कटी है उनकी। खुदा हाफिज। अम्मा, प्रोफेसर साहब ने कहा है कि उस औरत को ना ऐसा खौफ ज़दा कर दो कि वो यहाँ से भाग जाए। खौफ ज़दा कर दो? कैसे, क्या कहूँ? हाँ, ऐसा करते हैं, उसको कहते हैं कि नौशा मियां पागल हो गए, उनको दौरे पड़ते हैं, है ना? ज़हनी मरीज है वो। अम्मा, बल्कि उसको साथ ये भी कह देना कि इनके साथ जो बात करे या उसको छुए वो भी पागल हो जाता है।
इस तरह वो खौफ से भाग जाएगी। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। ये है जेस की नई ऑफर 1+1 बस 550 पर SMS करो और हर नेट पर एक मिनट से लंबी कॉल पर एक मिनट फ्री पाओ। और सुनाओ क्या बात है, जब से रविया यहाँ आई है तुम लोग कुछ अजीब हरकतें करने लगे हो। लो, हम क्यों करने लगे अजीब अजीब हरकतें भाई? है वो तो तुम ही बिला वजह। हंसी की क्या बात है भाई, रविया मेरी बचपन की साथी है, इतने दिनों के बाद मिली है, पुरानी बातें याद करके मजा तो आता है, खुशी भी होती है। अब्बा जान, ये जो आपकी साथी है पुरानी, कितने दिन और यहाँ रहेंगी? सच तो ये है कि मेरा जी चाहता है वो हमेशा यहीं रहे मेरे घर में। तो तुम्हारे ये ख्यालात हैं उसके बारे में? अरे वो तो बहुत अच्छी कुलसुम, उस जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। अम्मा, अब हमें फौरन कमांडो एक्शन कर देना चाहिए क्योंकि अब्बा के इरादे ठीक नहीं लग रहे। कुकी, मैं उसे एकदम से नौशनिया की बीमारी के बारे में बता दूं? नहीं अम्मा, पहले परेशानी का इजहार करना यूं। अच्छा, जब वो पूछे ना तो फिर एकदम से बता देना। अरे भाई क्या बात है कुलसुम, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रसिया, तुम तो कुछ दिनों के लिए आई हो, तुम्हें परेशान क्यों करूं? शाबाश, मुझे अपना ही समझो भाई, तुम्हारा मसला मेरा मसला है। नौशा मियां को एक खतरनाक बीमारी लग चुकी है जिससे उसके जान भी जा सकती, और उसकी बीमारी छूत की बीमारी है। उसके साथ दो दिन गुजारने वाले को वो बीमारी लग सकती है। आप मेहमान हैं, हम नहीं चाहते कि ये बीमारी आपको लग जाए। मैं आपको आपका सामान देता हूँ, बस आप यहाँ से चली जाएं। ये सब कुछ बताने का बहुत शुक्रिया। वादा करो रसिया, वादा करो कि तुम नौशमिया को ये नहीं बताओगी कि तुम उसके बारे में सब कुछ जान चुकी हो, उसे बहुत दुख होगा। आप अब्बा को ये सदमा मत देना, सामान ला दूं? लो भाई, खाना तैयार है तो लगवाओ, रजिया को भूख लगी होगी। रजिया को तो बहुत जरूरी काम याद आ गया, तुम जा रही हो ना रजिया? नहीं, आज तक नुशाबुद्दीन ने और मैंने नुशाबुद्दीन से कोई बात नहीं छुपाई, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? हाँ ठीक है, आप जाएं, अब्बा जान से बात ना करें, अब्बा खामखा शर्मिंदा होंगे। मुझे कोई डर नहीं है कि मैं बीमार हो जाऊंगी, तुम्हें ऐसी कौन सी बीमारी नुशाबुद्दीन जिससे तुम मर जाओगे? क्या बकवास है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें किसने बताया? अरे भाई, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा ये बता रहे हैं कि ये बीमारी किसी और को भी लग सकती है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। मैं अभी अपने मियाँ को फोन करती हूँ, मेरे मियाँ डॉक्टर हैं। तुम शादीशुदा हो रजिया? हाँ। लो, मैं तुम पे ऐसे शक करती रही। अरे भाई, किस बात का शक? दरअसल हम समझ रहे थे कि आपका और अब्बा का कोई चक्कर चल रहा है और आप दोनों शादी कर लेंगे। क्या नुशाबुद्दीन, मुझे बहुत दुख हुआ यह सुनकर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी बीवी की इतनी घटिया सोच होगी और तुम्हारा बेटा ऐसे सोचेगा मेरे बारे में। मैं तो भूल के आ गई तुम्हारे घर में, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। हाँ रक्षंदा, कैसी हो? ठीक हो? है? हाँ भाई, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपको पैसों की जरूरत हो और पैसे आपको मिल जाए। हाँ, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पैसा वो जो वक्त पे काम आए। तुम सच कह रहे हो? नहीं नहीं,
एक मिनट होल्ड रखना। मुझे बड़े अरसे से इस दिन का इंतजार था, वो आज तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। बहुत पहले से मैं सोच रहा था कि कारोबार को बढ़ा दूं। अब मैं और आप मिलकर कारोबार करेंगे तो देखिएगा कैसा कमाल होता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी तरफ से सबको बता देना कि मैंने उनकी मुबारकबाद कबूल की, सिवाय उस शादा के, वो तो जल भुन के खाक हो गई होगी ना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी जी जी, मैं कल पार्टनरशिप डील पर साइन कर दूंगा। आज मैं ये खुशखबरी नौशमिया को सुनाऊंगी तो पागल ही हो जाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मुझे हर चीज अच्छी अच्छी लग रही, अच्छी अच्छी, यहाँ तक कि तुम भी। आज मैं भी इतनी खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी ये इतनी मनहूस बातें भी बुरी नहीं लग रही। हाँ अच्छा, ये बताओ कि पहले खुशखबरी तुम सुनाओगे या मैं? अरे मैं खुश ही इतना हूँ, जो फैसला तुम्हारा होगा मुझे मंजूर होगा। चलो पहले तुम सुनो। तो सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने लक्की कमेटी डाली है, वो अगर इस बार ना निकलती तो फिर शायद ना निकल सकती। वो निकल आई है, मेरे पास इतने पैसे होंगे। मैं भी इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, क्या बताऊँ तुम्हें। बहुत अरसे से, बहुत पहले से मैं सोच रहा था कि कारोबार को बढ़ाऊँ अपना। अच्छा, एक बंदा मिल गया है, पैसा वो लगाएगा, कम सुबह दस्तखत हो जाएंगे। देखा देखा, मेरे मामू के कदम कितने मुबारक हैं, वो आए। यार मामू, कहाँ है तुम्हारे बाबू? अरे उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ, उनके कदम धो दोगे, धो दोगे, धो दोगे, किसी को पिला दो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। उस्ताद जी, आपके लिए मैं ना तोहफा लेके आया हूँ, मोबाइल फोन। वाह बेटा, देखो बेटा, आज तक हमने तोहफे के बदले में किसी को तोहफा नहीं दिया, मगर तुमने मुझे तोहफा दिया है तो मैं तुम्हें एक तोहफे के बदले में 10 तोहफे दूंगा। अल्लाह रहम करे उस्ताद जी, कहीं बिजली का झटका लग गया, लंटर गिर गया आपके ऊपर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहकी बहकी पुत्र, मौला मौला करके ऐसी तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। पुत्र ओए, एक प्रोड्यूसर मुझे मिला है। अच्छा? हाँ जी, उसने मुझे अपनी फिल्म में साइन कर लिया है। क्यों, आपने क्या करना है? सफाई भाई? और पुत्र नहीं, मैंने उसे अपनी धुनें सुनाई है। धुन धुन धुना धुन धुन, वो हो गया मस्त। अच्छा, कल मुझे लंबा एडवांस मिलेगा और पैसे मिलेंगे और मैं अपने पुत्र को तोहफे दूंगा। नहीं तो ये सब कुछ कैसे हो गया? पुत्र मैंने तर्जे सुनाई है अपनी, धुने सुनाई जी। आप मुझसे नहीं पूछ रहे कि मैं आज खुश क्यों? एक मिनट, मेरी बेटे, मैं भी सोच रहा था कि पिछले 5 मिनट से तुमने मेरी को बुराई नहीं की, भी तू क्यों खुश है? उस्ताद जी, मैंने फैसला किया कि मैं मोबाइल फोन का कारोबार करूंगा। मेरा ना एक दोस्त है चाइना में। अच्छा। वो ट्रालों के ट्राले भेजेगा और मैं यहाँ से ट्रालों के ट्राले भेजूंगा। क्या अच्छा कारोबार, वहाँ से मोबाइल चाइना की जाएंगे और हम चाइना की चीजें यहाँ से भेजेंगे। उस्ताद जी, अम्मी अब्बा को बताते हैं, खुश हो जाएंगे। पुत्र, वो तुम्हारा बाप नहीं है, नोशो ये खबर सुन के उसने हो जाना बेहोशो, उसे जरा भी खुशी नहीं होनी। मगर वो भाभी कुलसुम अच्छी है, आ उसे ये खबर सुनाते हैं कि आज क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम नौशमिया। आदा भाभी भाई, आज आपके घर में कुछ नहीं पके। आज के खाने की दावत मेरे और कुकी की तरफ से आपके अहलो इयाल को। हाँ, और देखे, होटल भी आपकी मर्जी का, खाना भी आपकी मर्जी का, बिल मेरी मर्जी का। लो, अरे कमाल है भाई, यही बात तो हम तुमसे कहने वाले थे। नहीं 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 नहीं, अब्बा जान,
आज का खाना जो है वो हमारी तरफ से होगा बस। भाई कुकी की मोहब्बत तो समझ में आ रही, मगर सोमी खान ये आपको क्या खुशखबरी मिल गई है आज? एक खुशखबरी नौशमिया, हमारे पास दो दो खुशखबरियां हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है, हमारे पास भी दो दो खुशखबरियां। इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक है, खुशियों ने हमारा घर देख लिया। अरे कुकी पहलवान, अब मेरी लकी कमेटी निकल आई है बेटा। अम्मा मैं भी चाइना की मोबाइल की दुकान खोलने लगा हूँ, अब मैं अपना कारोबार करूँगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चे का भी मसला हल हो गया। अच्छा भाई कुलसूम बिटिया, अब मुझे इजाजत दो, कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी लाहौर आऊं तो किसी अच्छे से होटल में कयाम कर लूं। कम से कम कोई जानवर तो तुम्हारे घर लेकर नहीं आऊंगा ना? अरे मामू जान, जब आप खुद आ जाते हैं तो जानवर लाने की क्या जरूरत। बुरा मत मनाइएगा मामू जान, आज हम दरअसल इतने खुश हैं सब लोग कि हर किसी को एक दूसरे से मजाक करने को जी चाह रही है। आपको अब हम जाने नहीं देंगे, आप अब हमारे पास रहेंगे, हम आपके कदम धो धो कर सोमी खां को पिला देंगे। मामू जान, हम दोनों ने फैसला किया है कि अब हम आपको कम अज कम एक महीना जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी आमद हमारे लिए बहुत खुशबख्त है। बस मैं आपको खाना खिलाता हूँ किसी अच्छे होटल में, बस कल मुझे एडवांस मिल लेने दो। कल? तो आज क्या भूखे मरेंगे? ना बेटे, वो घर वाली हलीम सलीम। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है, इकट्ठे बैठ के खाने पीने में वैसे बहुत बरकत होती है। बस भी भाभी, मौला जानता भी कोई मौसम आए कोई रुत जाए, आज के बाद हम सब फैमिली यहाँ मिलकर नाश्ता करेंगे। एक मिनट मेरा ख्याल मेरे पार्टनर का फोन है, वो डील जो है दस्तखत करने के लिए बुला रहा है। हाँ नौशामिया बोल रहा हूँ। हाँ क्या जरूरत है, मैं आ जाऊं? ये आप उनकी बीवी बोल रही हैं क्या? वो अमेरिका चले गए? अच्छा नौशामिया, परेशान क्यों हो गए हो, क्या हुआ? वो जिससे डील होनी थी वो तो अमेरिका चला गया है। ये तो बहुत बुरी खबर है भी नौशामिया। एक मिनट जी। तेरे काम का फोन है बेटे? मैं समझा घर से है। जी सोमी अली खान म्यूजिक डायरेक्टर है जी। क्या नहीं, मौला की कसम सच। अब आपको क्या हुआ भाई साहब? मरहूम को अब कहाँ से लाऊं उस मरहूम को? मरहूम को कौन मरहूम? पुत्र, वो मेरी फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं, उसके दुश्मनों ने उसे गोलियां मार दी, उसका इंतकाल पुरमलाल हो गया पुत्र। मौला जाने मैंने सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देखी थी। क्या ये क्या कह रहे हैं उस्ताद जी, ये सुबह आपको मैंने उठाया था? कम्बख मारा कुकी, तूने मुझे भी उठाया। यानी आप दोनों ये कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों के काम मेरी वजह से खराब हुए हैं? हाँ रक्षंदा, आ रही हूँ भाई, मैं कमेटी लेने आ रही हूँ। क्या क्या बकवास कर रही हो? अब कमेटी शायदा की निकल आई है, मेरी नहीं। खुश हो जाओ मनुसा, नजर लग गई ना तुम लोगों की। देखो अम्मा, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होगा, बस अपने अपने नसीब की बात है। ओ तेरे फोन है, देख कहीं तेरा नसीब भी तो अपनी औकात पे वापस नहीं आ गया। सुन ले फोन है। हेलो, मुझे पहले ही शक था, मैं खुद फोन बंद करता हूँ।
वाह भाई वाह, हम लगी लोग इकट्ठे बैठे हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। मामू जान, आप जहाँ जाते हैं ऐसे ही तवाइयां फेरते। नाना जान, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और भाग जाए। खबरदार जो किसी ने मेरे मामू को बनहूस कहा तो। वह भी वह भी, आपका क्या ख्याल है कि मामू हजूर आपकी बात नहीं समझते? वो खुद इतने समझदार है कि वो खुद ही जंगलात की तरफ निकल जाएंगे। जाइए नामे मौला, जाइए। और ठीक है, अगर तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मेरे एक आध सवाल का जवाब जरूर दे दो। नोशा मिया, ये बताओ कि मेरे आने से पहले तुम्हारा कोई माहिदा तय हुआ था? नहीं, जो कुछ हुआ आपके आने के बाद हुआ, और ये सब कुछ खराब भी आपके होते होते हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को जो जो खुशखबरी मिली है वो मेरे आने के बाद मिली है। तो तय ये हुआ कि मैं मनहूस नहीं हूं, मनहूस है कोई जरूर इस घर में, बस उसका पता चलाना है। और देखें जी, अपना इनके मामू साहब, मैं जानता हूँ कि इस घर में कौन मनहूस है। हाँ, अगर उसे इस घर से निकाल दिया जाए ना तो नहूसत खत्म हो जाए। मेरा भी यही ख्याल है। किसी और के बारे में? भाई इस तरह से तुम सब लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहोगे तो कुछ नहीं होने का। ना जी, इसमें इल्जाम लगाने वाली क्या जरूरत है? जंगली इंसान साहब, इस कुकी को बोरी में डाल के ना 10 मील दूर छोड़े तो इस घर से नहूसत भी 10 मील दूर चली जाएगी। उस्ताद जी माफ कीजिएगा, मुझसे मिलने से पहले आपने कभी पेट भर के रोटी भी नहीं खाई थी। पुत्र, तब मैं डाइटिंग करता था। भाई तुम लड़ क्यों रहे? मैं तुम्हें इस मसले का हल बताता हूँ। बिल्कुल ठीक है मामू, आप ही हमारे बुजुर्ग हैं, आप ही बताइए ना कि इसका क्या हल है। भाई इस मसले का हल ये है कि किसी बुजुर्ग को बुला कर पूछा जाए कि इस घर में मनहूस कौन है। देखें जी, अपना मामू इनके, भाई मैं तो इस घर में रहता नहीं, मेरे लोगों के साथ कोई तल्लक ही नहीं, तो मैं मनहूस कैसे हुआ? बड़ी वही बात। देखो, जो मनहूस होगा उसको कोई अपना सदका देना होगा, अल्लाह करम करेगा। आप लोग इत्मीनान से बैठो, मैं किसी पीर बाबे को तलाश करता हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर किसी बुजुर्ग ने मुझे ही मनहूस कह दिया तो क्या कोई सदका वदका दे देना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मामू, ये नौशा मियां तो वैसे ही मुझसे हर वक्त लड़ते रहते हैं, अगर उनको ये पता चलेगा तो फिर क्या होगा। तो तुम क्या चाहती हो कि नौशा मियां का काम निकले? भाई देखो कुलसुम, वैसे लाहौर से मैं कुछ ज्यादा वाकिफ तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी खातिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मामू, पैसों का मैं बंदोबस्त कर लूंगी, मैं जेवर भेज दूंगी, लेकिन किसी को पता ना चले। डन। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। चंपक छू, आजा आजा तू, चंपक छू, आजा आजा तू। तुम्हारा काम हो गया है बाबा, मेरा मतलब है बच्चा, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारा काम भी हो गया है। ये तवीज देता हूँ तुम दोनों को, ये तुम्हारा तवीज है, ये तुम्हारा तवीज है, इसको खोलना नहीं और पीछे मुड़ के नहीं देखना जब तक मैं न कहूँ। 100 रुपया निकालो, जल्दी करो, चंपक छू, आजा आजा तू, जल्दी निकालो, बाबा जी जला के भस्म कर देंगे। चलो जाओ 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 जाओ, खैर हो खैर हो, जाओ। हमारे बाबा जी की खैर हो, हमारे बाबा जी जीते रहें, हमारे बाबा जी सदा सुखी रहें। हम दुआएं देने की फीस लेते हैं बच्चा, तू हमारी दुआएं हमें मुफ्त में दे रहा है। बाबा जी आप हैं तो हम हैं ना, आपके बगैर तो हम सांस नहीं ले सकते। ओए, हम बाबे हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं, जरा पीछे होके सांस ले।
तुम्हारे सांस से स्मेल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है आपकी? तू बाबे को अस्पताल में मिलने आया है बच्चा? तुम्हें किसने बताया है कि बाबे का ऑपरेशन हुआ है? संपक्चू, आजा तू, संपक्चू, आजा तू। बस कर दे, आप तो गुस्सा ही कर गए। शुक्र करो बच्चा, हमने तुम्हें जलाकर भस्म नहीं कर दिया। बाबा जी, आप नूरी इल्म करते हैं या नारी? तू हमारी दोनों बीवियों को कैसे जानता है बच्चा? मैं बीवियों की बात नहीं कर रहा बाबा जी, आप नूरी इल्म कर सकते हैं या नारी? ये क्या कह रहा है? ओ बाबा जी, ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ नूरी इल्म पाक इल्म ही करते हैं या नारी इल्म गंदा इल्म भी करते हैं? ओए हाँ, ये गंदी फिल्में तो सुनी थी, ये गंदा इल्म भी होता है बाबा जी? ये आपस में क्या खुसर बुसर शुरू कर दिया आपने? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारे पास पाक और नापाक दोनों मुक्कल मौजूद है बच्चा। बस बाबा जी, एक बंदे को मनहूस साबित करना है बस। बाबा जी से बड़ा मनहूस कौन हो सकता है? क्या बकवास है बच्चा। बस यही साबित करना है कि वो बाबा जी से भी बड़ा मनहूस है। बकवास बंद करो बच्चा, हम अमल पढ़कर तुम पर फूंक मारेंगे और तुम जानवर बन जाओगे। खुदा के लिए ऐसा ना करना बाबा जी, वरना लोग तो मुझसे जानवरों वाला सुलूक करेंगे। हाँ बाबे को वो जगह बता जहाँ जाकर मनहूस साबित करना है। बाबे की एक शर्त है, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे बच्चा। तू बाबे को 32 इंच का टीवी ले देना, बाबे को अंग्रेजी फिल्में देखने का बड़ा शौक है। लो बाबा जी, जितने का टीवी आता है इतने में तो 4 मनहूस खरीदे जा सकते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई। बच्चा बैठो बच्चा, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे, तुम छोटा टीवी ले देना। ना, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, बस मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि केबल का कनेक्शन लेके दे सकता हूँ। हाँ ठीक है। डन 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 डन। बेटे सूरज राग क्या होता है, जरा सूरज की तरफ मुंह करके कहो, पिया नहीं आए आए बलबा, हो पिया नहीं आए आए। जी मुझे कोई राग अच्छा नहीं लग रहा, सूरज निकले चाहे डूबे। तो पुत्र क्या हुआ? साजी आप तो काफी अरसे से लाहौर में रहते हैं ना? लो बेटे को आज की बात है, हम बहुत पुराने रहते, बाप दादा से हम लाहौर के अंदर रहते हैं। लाहौर के 12 दरवाजे और 13वीं मोरी, और 13वीं मोरी में हम होते थे। इसका मतलब है आप 1901 की पैदाइश हैं? अब पुत्र मेरे बड़े आए थे यहाँ पे पहले। हाँ जी, अच्छा, अफगानिस्तान से कूच करके। तो उस्ताद जी फिर तो लाहौर से आपकी काफी वाकफियत होगी। लो पुत्र कैसी बात की है कूड़ों वाली, और बेटे लाहौर का चप्पा चप्पा गली गली कूचा कूचा हाल जाने है हमारा, और सबका मैं वाकिफ हूँ गलियों का। तो इसका मतलब है कि आप किसी पीर को भी जानते होंगे? पुत्र मैं बुद्ध को जानता हूँ, जुमेरात को जानता हूँ, अच्छा तू दिन पीर की बात कर रहे थे। उस्ताद जी मैं उस पीर की बात करता हूँ जो तावीज गंडे देते हैं। ओए इधर आए ना, और तू घर का पीर छोड़ के, ओए अपना उस्ताद पीर छोड़ के तो बाहर से पीर पकड़ेगा। उस्ताद जी आप तो वाकई पीर है। हाँ? वो देखो सूरज निकल रहा है आपके राग से। बेटे राग ऐसा गाया है। उस्ताद जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ पुत्र? कोई ऐसा पीर बताएं जो मेरे काम आ जाए। अब पुत्र घबराना, एक पीर मेरा वाकिफ है। अच्छा, उसको मैं बुलाऊंगा, वो लोटा घुमाएगा। तू लोटा घुमाने से चोर का पता चल जाता है? यार पुत्र पता चले ना चले, लोटा तो घुमाता है ना। उस्ताद जी वो पैसे भी लेगा फिर? अब पुत्र वो कौन सा खुद पैसे लेता है, वो जिस जिन को बुलाता है ना वो लोटा घुमाता है, वो ही पैसे कमाता है और उन्हीं पैसों से वो खाता है। उसका मतलब है कि अगर किसी ने आके पीर ने तो मुझे मनहूस साबित कर दिया, तो अब्बा तो मेरे पहले ही खिलाफ है, वो तो मुझे जूते मार के घर से निकाल देगा। अरे पुत्र घबरा ना, क्योंकि तुम मेरा शागिर्द है सौमी अली खान का, और मैं कहता हूँ किसी और पीर को बुला के तेरे बाप नोशो मियाँ को मनहूसू मियाँ साबित करा देते। ऐसा हो सकता है? हाँ? तो आप ये इंतजाम कर सकते हैं? घबरा ना पुत्र, तेरी खातर तेरा उस्ताद किस किस मौत के मुंह में नहीं गया, और मैं तेरी खातर पीर तलाश करूंगा। ले मैं जा रहा हूँ पीर लेने। ओ जियो उस्ताद,
अल्लाह तेरी जिंदगी करे, मगर मुझे इस बात की उम्मीद नहीं। आ मेरा नेक पुत्र। जी बाबा जी। आ पुत्र है, आ बाबा पानी मेरा कहाँ रहता है। तौबा अस्तगफार करो। अस्तगफार इस कदर बदतमीजी के साथ नाम ले रहे हो, बाबा पानी वाली सरकार का हो। ये पुत्र कोई बहुत पहुंचे हुए बाबे। तुम्हें उनकी करिश्मात उनकी रियाजत का पता चल जाए तुम पागल हो जाओ। पुत्र अब मैं को पागल होने नहीं है, मैं तो उन्हें दावत देने हूँ अपने घर में। दावतों में वैसे वो काम ही जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हर तरह की चीज तो वो खाते नहीं, सिर्फ पानी वाली चीज खाते हैं। यानी कि डड्डू मच्छी कछुक। पुत्र मैं समझा नहीं। ये तो उनके आस्थाने पर जाएगा तो खुद ही समझ आ जाएगी। पुत्र मुझे उनका आस्थाना बता दे। आस्थाना बता तो दूं, मिनरल वाटर किधर है? मिनरल वाटर उनके आस्थाने पर बगैर मिनरल वाटर के नहीं जा सकते, बाबा पानी वाली सरकार है ना। ये पुत्र ये मिनरल वाटर कहाँ से मिलेगा? ये तो थोड़ा सा आगे जाएगा तो आगे बहुत बड़ी दुकान है मिनरल वाटर की, वहाँ से पानी की बड़ी बोतल लेकर जाना। अच्छा पुत्र जी, मौला तुम्हें भी जिंदगी दे और उस बाबे को भी। सीधे जाना। ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो आगे एक दरख्त है, उसके नीचे बैठे हैं। ये शहर।